बॉलीवुड इंडस्ट्री हो या टीवी इंडस्ट्री, ग्लैमर वर्ल्ड की एक्ट्रेस को आए दिन छेड़खानी जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बॉलीवुड में तो एक्ट्रेस के साथ पब्लिक इवेंट पर छेड़खानी की शिकायत आई है, लेकिन इससे टीवी इंडस्ट्री की भी हीरोइंस अछूती नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको टीवी इंडस्ट्री की उन हीरोइंस के बारे में बताएंगे जिन्होंने पब्लिक इवेंट में छेड़खानी का सामना किया है। तो आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। लिस्ट में नंबर वन पर नाम आता है रश्मि देसाई का। टीवी शो उत्तरन में तपस्या का रोल करके फेमस हुई रश्मि देसाई के साथ एक बार छेड़खानी हो चुकी है। रश्मि ने बताया कि एक बार वो देर रात शूटिंग से लौट रही थी, तभी उन्होंने नोटिस किया कि एक व्यक्ति उनका पीछा कर रहा है। इसके बाद रश्मि काफी डर गई थी। तभी रास्ते में रश्मि को एक पुलिसकर्मी दिखा। इसके बाद रश्मि ने गाड़ी रोककर पुलिस से उस व्यक्ति की शिकायत की। इसके बाद वो व्यक्ति वहां से भाग खड़ा हुआ। अब बात करते हैं सौम्या टंडन के बारे में। टीवी सीरियल भाभी जी घर पर है में अंग्रेजी मैम यानी कि अनीता भाभी का किरदार निभाने वाली सौम्या टंडन भी छेड़खानी का शिकार हो चुकी हैं। सौम्या ने बताया कि जब वो स्कूल में थी तब ट्यूशन से घर आते समय लड़के उन्हें रास्ते में रोक लिया करते थे और छेड़खानी कई कोशिश भी करते थे। सौम्या ने इस बारे में अपने पिता को बताया और उन लड़कों के खिलाफ FIR करवाई। इसके बाद उन लड़कों ने सौम्या का पीछा छोड़ा। लिस्ट में अगला नाम आता है जैस्मीन भसीन का। जैस्मीन ने अपने इंटरव्यू में बताया कि जब वो लोखंडवाला में शॉपिंग करने जाया करती थी तो कुछ लड़के उनके साथ छेड़खानी करते थे। एक बार तो जैस्मीन इतना डर गई थी कि उन्होंने सड़क पार करने के लिए एक महिला से मदद मांगी थी। जैस्मीन ने बताया कि उन्होंने उन लड़कियों के खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई थी। इसके बाद जैस्मीन का उन लड़कों से पीछा छूटा था। अब बात करते हैं टीवी एक्ट्रेस हुनर की। दोस्तों, हुनर हॉली जब शूटिंग के बाद घर जा रही थी तभी एक शख्स उनकी कार के पास आया और उनसे उनका शीशा नीचे करने को कहा। हुनर ने उस आदमी को पहले भी अपनी शूटिंग के दौरान अजीब हरकतें करते हुए देखा था, इसलिए उन्होंने शीशा नीचे नहीं किया और फोन कर अपने पति को बुलाया और उस आदमी की जमकर पिटाई करवाई। अब बात करते हैं चक दे इंडिया में कोमल चौटाला का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस चित्रासी रावत का। दोस्तों, चित्रासी ने एक बार अपने साथ हुआ एक किस्सा शेयर किया था कि जब वो ऑटो से सफर किया करती थी तो एक ऑटो वाला उन्हें देखकर गंदे गंदे इशारे करता था और सीटियां मारता था। जब चित्रासी को ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने हॉकी स्टिक से ऑटो वाले को पूरी तरह से तोड़ डाला। अब बात करते हैं एक्ट्रेस तन्वी ठक्कर की। दोस्तों, एक्ट्रेस को एक शख्स फोन कर परेशान करता था और गंदी बातें करता था, साथ ही उन्हें एडल्ट फिल्म में काम करने के लिए ऑफर देता था। तन्वी ने मना करने के बाद भी वो शख्स उन्हें परेशान करता था। इसके बाद तन्वी ने उसके खिलाफ FIR दर्ज की, तब जाकर तन्वी का उस सिरफिरे से पीछा छूटा। तो दोस्तों, इस तरह के मनचलों को क्या सजा देना चाहिए? आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। साथ ही फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।